तो गाइज मैंने पुलाव बनाने के लिए लिया है एक छोटा सा प्याज, कच्ची मिर्ची और धनिया लिया है और एक टमाटर लिया हुआ है। इसमें आप कोई भी सब्जी अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, बट मैं कोई भी सब्जी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आलू भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आपको अगर सब्जियाँ और आलू डालना इसमें अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन मैंने लिया है एक कटोरी चावल और उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल के मैंने इसे रख दिया है। तो गाइस रखने वाली हूँ मैं यहाँ पर कुकर, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा, और ये मैंने 2 तेज पत्ता को मैंने तोड़ दिया है, 4 टुकड़े कर दिए हैं, ये डाल देंगे हम। जैसे ही तेज पत्ता और जीरा सीख जाए अब हमें डालना है इसमें प्याज, मिर्ची और साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। तो हमने जितना भी चॉप करके रखा था वो जब हम एक साथ डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सेक लगने देंगे, इसे ज्यादा सेक नहीं लगाना है बट हल्का ही सेक लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट मसाला जो पुलाव मसाला है, उसके बाद डालेंगे हम नमक, स्वाद अनुसार डालना है आपको, देन सबको अच्छे से मिला देना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ब्राउन। उसके बाद डालना है आपको आपने जो चावल और पानी 1.5 कटोरी पानी इसमें डाल के रखा हुआ था और चावल रखा हुआ था, वो आपको डाल देना है इसमें। गैस आपको हाई फ्लेम में करना है और इसे अच्छे से मिला देना है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है। आपको कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी आने देना है, फिर आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। तो गाइस हमारा पुलाव बन चुका है। अब हमें लेना है रायते के लिए एक पतीला, फिर उसमें डालना है हमें दही, आपको जितनी भी दही चाहिए आप ले सकते हो, उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब इस पे डालूंगी मैं पानी, इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपको रायता ठीक पसंद है तो आप इसमें पानी कम डालिए, बट अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें अभी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, अब डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च बहुत थोड़ी सी ही डालनी है सिर्फ स्वाद के लिए। अब डालेंगे इसमें हम काला नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पे डाल देंगे हम धनिया पत्ती, आप चाहें तो आप इसमें बूंदी ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और रायता पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे रखना है मुझे फ्रिज पे, तो मेरा रायता तैयार है। तो गाइस मैं कुकर खोलने वाली हूँ और आप देख सकते हो पुलाव कुछ इस तरीके से है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस हमारा पुलाव और रायता दोनों ही रेडी है।